नमस्कार, मैं हूं आपका व्यापारी दोस्त सेवल। दोस्त व्यापारी हूं तो बात भी व्यापार की ही करूंगा। और आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा कॉस्मेटिक बिजनेस के बारे में। कहीं इसे कॉस्मेटिक बिजनेस बोला जाता है, कहीं बोला जाता है श्रृंगार का सामान, कहीं बोला जाता है बिसात खाना, कहीं बोला जाता है मनिहारी की दुकान, कहीं बोला जाता है जनरल स्टोर। दोस्तों, अलग अलग एरियो में इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, पर इस बिजनेस का काम एक ही है। वो काम क्या है? लेडीजों की जरूरतों को पूरा करना, जनानी जरूरतों को पूरा करना, स्त्रियों को सामान बेचना, महिलाओं को, लेडीज को, और स्त्रियों को महिलाओं को ध्यान में रखकर ये दुकानें खोली जाती हैं। और ये दुकान खोलना काफी आसान है। और कैसे आपको खोलना है, लागत कितनी आएगी, मुनाफा कितना है, कहाँ खोलना है, कौन कौन इसे खोल सकता है, तो दोस्तों इस व्यापार की मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में जानकारी दूंगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहूंगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, जनरल स्टोर, मनिहारी, कॉस्मेटिक, श्रृंगार, नाम कई हैं, काम एक ही है, महिलाओं को महिलाओं की जरूरत के अनुसार उन्हें सामान बेचना। दोस्तों, महिलाओं की जरूरत क्या होती है, इसमें तीन चार कैटेगरी डिवाइड है उनकी जरूरत के अनुसार। दोस्तों, पहली जरूरत होती है उन्हें कॉस्मेटिक की, जो कॉस्मेटिक का जो सामान आता है, जिसमें क्रीमें होती हैं, तेल होता है, कई तरह के साबुन होते हैं, कई तरह के फेस वॉश होते हैं, ये सभी इसमें FMCG में आते हैं। और FMCG में क्रीम, तेल, पाउडर, बॉडी लोशन कैटेगरी डिवाइड की है FMCG की। और कॉस्मेटिक में आते हैं अपने नेल पॉलिश हुई, और अपना नेल पॉलिश के अलावा अपना लिपस्टिक हुई, श्रृंगार, अपना ये श्रृंगार के सामान आते हैं कॉस्मेटिक में, कई तरह के मेकअप किट्स आती हैं, ये सभी चीजें कॉस्मेटिक में आती हैं। और थर्ड है दोस्तों आर्टिफिशियल ज्वेलरी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी नेकलेस टाइप के, हार टाइप के, मोतियों की मालाएं टाइप के, आर्टिफिशियल रिंग्स टाइप के, यहाँ पे मैं गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी मतलब गोल्ड जैसी ज्वेलरी, सोने जैसी ज्वेलरी, सोने के आभूषण नहीं। सोने के आभूषण कभी भी जनरल स्टोर पे नहीं बेचे जाते, यहाँ पे हमेशा आर्टिफिशियल, उससे मिलते जुलते, उस मोटे तौर पे कहा जाए कि जो नकली मेटल से बनते हैं उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल, सोने जैसे, सोने के नहीं। तो दोस्तों कॉस्मेटिक, FMCG, आर्टिफिशियल। इसके बाद दोस्तों आता है अंडरगारमेंट्स। अंडरगारमेंट्स जो हम अंदर की जो चीजें पहनते हैं वो अंडरगारमेंट्स कहलाते हैं। और अंडरगारमेंट्स के बाद नाम आता है अपना होजरी। होजरी में दोस्तों कई तरह के सैनिटरी पैड्स लेडीज यूज करती हैं, नैपकिन्स वगैरह यूज करती हैं, तो इसमें आता है, मतलब ये चार पांच जो कैटेगरी हैं, पहली है, मैंने विस्तार से मैंने आपको एग्जांपल दिए हर कैटेगरी बारे में, फिर भी समझा देता हूँ। पहली है कॉस्मेटिक, सेकंड है FMCG, थर्ड है अपना आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फोर्थ है अपना अंडरगारमेंट्स, और फाइव है अपना होजरी। तो ये पांच चीजें हैं, ये पांच चीजें मिलकर बनाती हैं एक दुकान को, श्रृंगार का सामान, या फिर अपन बोल सकते हैं उसको कॉस्मेटिक स्टोर, या फिर जनरल स्टोर, या फिर मनिहारी की दुकान, मनिहारी स्टोर, या कई जगह से बोला जाता है बिसात खाना। तो दोस्तों मैंने कैटेगरी बता दी। अब इस व्यवसाय में जो लोग अपना भविष्य देखते हैं उनमें क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए, सबसे पहले तो ये जो सामान है ये हमें बेचना कैसे है, लेडीज को बेचना है। अगर आप लेडीज हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं क्या काम धंधा करूं, मैं बिजनेस में किस तरह से आऊं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो व्यापार है, ये जो व्यवसाय है, ये लेडीज लोगों को ही इसमें आना चाहिए, क्योंकि ये जो है लेडीजों से जुड़ा हुआ है, महिलाओं से जुड़ा हुआ है। अगर महिला कोई अपना व्यवसाय चालू करना चाहती है, अगर आप महिलाएं हैं और महिलाओं से जुड़ा ही कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो ये व्यवसाय आपके लिए है। जेंट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको अच्छे से डील करना आता है लेडीज को तो आप भी इसे प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप महिला हैं तो ये आपको एक एडवांटेज है, एक ये आपके लिए प्लस पॉइंट है इस बिजनेस के लिए, क्योंकि ये बिजनेस आपके लिए ही है और आपके पास जो कस्टमर आएंगे वो भी महिलाएं आएंगी, तो महिलाएं महिलाओं की जरूरत कुछ ज्यादा आसानी से समझती हैं।
अब मैंने बता दिया आप इसको कौन चालू कर सकता है, अगर जेंट्स है, अगर उसके अंदर सेलिंग स्किल अच्छी है, सेलिंग पावर अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल अच्छी है, तो वो भी चालू कर सकता है। और आप महिलाएं हैं तो ये उसके लिए एडवांटेज है, जिसके प्लस पॉइंट है, महिला तो और आसानी से इस व्यवसाय को प्रारंभ कर सकती है। अब दूसरी बात आती है इसमें लागत कितनी आती है। दोस्तों ये व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है जिसे आप छोटे रूप से भी शुरू करेंगे तो 10-15 हजार रुपए की लागत में आप ये व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। और जितनी ज्यादा लागत लगाते जाएंगे, कैपिटल लगाते जाएंगे, पूंजी लगाते जाएंगे, उतने ही बड़े स्तर पे आप काम चालू कर सकते हैं। अब आता है इसमें मार्जिन कितना है। इसमें जो मार्जिन है वो बहुत अच्छा है। मार्जिन लेके चले मैं इससे बता दूं कि किसी किसी चीजों में तो 40-40% तक का मार्जिन है, और ओवरऑल मार्जिन देखा जाए तो 20-25% का इसमें ओवरऑल मार्जिन है। मान लीजिए आपने कहीं छोटी सी दुकान खोली, अगर आपने मात्र 2000 रुपए का भी बिजनेस किया, 2000 रुपए का भी माल बेचा, तो 2000 के माल पे 700-800 रुपए आपका प्रॉफिट कहीं नहीं गया। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, और लोग इतना कमाते भी हैं और इससे ज्यादा भी कमाते हैं। अब आती है इसमें बात हो गई अपनी लागत की, बात हो गई मुनाफे की। अब इस व्यवसाय को हम कहां प्रारंभ कर सकते हैं? इस व्यवसाय को हम अपने घर के छोटे से स्टोर रूम से भी शुरू कर सकते हैं। बस ध्यान इस बात का देना है कि आपका नेटवर्क कैसा है। जब भी आपका घर है, उस मोहल्ले में, उस सोसाइटी में, उस कैंपस में, आस पड़ोस में लोगों से आपका व्यवहार कैसा है। देखिए दुकानदार मतलब व्यवहार जमाना है आपको, आपको अपना नेचर से ग्राहकों को खींचना है, अन्य जो लेडीज हैं आस पड़ोस की उन्हें अपने पास बुलाना है। और इसके साथ ही आप अपने घर से भी ये व्यवसाय शुरू कर सकते हैं बहुत ही छोटी लागत से। 12-15 हजार तक आप सामान लाइए, जो उनको मेन मेन सामान है उसकी लिस्ट बनाइए। लिस्ट कैसे बनेगी? जो भी आपको जरूरत लगती है मेन सामान में, रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी एक जरूरत है एक आम महिला की, उसकी लिस्ट बना के बाजार में जाइए। ये सामान कहाँ मिलेगा आपको? ये सामान मिलेगा जिस भी गांव, शहर, कस्बे में आप रहती हैं या रहते हैं, वहां का थोक बाजार, जहां से पूरे शहर में माल सप्लाई होता हो, जहां से पूरे शहर को माल जाता हो, वहां पे इनके थोक की दुकानें होती हैं। और अभी आप बेसिक बेसिक चीजें रखी हैं, बालों के बक्कल हैं, चूड़ी हैं, और अपने मेकअप के सामान हैं, बिंदियां हैं, कॉस्मेटिक में अपनी नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है। तो गाइस ये बेसिक बेसिक चीजें हर जगह चलती हैं। और फिर आप रेंज बढ़ाते जाइए, फिर आप अंडरगारमेंट्स भी बेचिए, फिर होजरी बेचिए, फिर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचिए। इसमें वैरायटी इतनी है कि आप दे दे के थक जाओगे, लेकिन वैरायटी खत्म नहीं होगी। इसमें सुई धागा, नेपकिन, पेन, ये वो सब बिकता है, सेफ्टी पेन, ऑल पेन, क्या क्या नहीं बिकता है इसमें, हर चीज बिकती है। और हर चीज का ग्राहक भी है, बस अब आपके ऊपर है कि आप क्या क्या बेच सकते हैं, कितनी वैरायटी मेंटेन कर सकते हैं। जितनी ज्यादा आप वैरायटी मेंटेन कर सकते हैं उतना ज्यादा इस व्यवसाय में, इस व्यापार में आप सफल हो सकते हैं। अगर आप घर से शुरू करना चाहते हैं तो 10-15 हजार की लागत में 700-800 रुपए डेली कमा सकते हैं, अगर आप 2000 रुपए का धंधा भी करते हैं, सेल करते हैं 2000 रुपए के माल की सिर्फ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने लोकल एरिया में या लोकल मार्केट में, अपने घर के पास में जो मार्केट है जहां अच्छी आवाजाही रहती है, तो वहां से भी इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। और अगर आप 4-5 हजार रुपए की दुकान किराए पे लेकर, अच्छा सा एग्रीमेंट बनाकर, थोड़ा सा इसमें अच्छा सा फर्नीचर वर्नीचर सेटअप करके, अगर 40-50 हजार रुपए की लागत से माल भरकर भी आप ये दुकान प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें आप कुछ और चीज भी ऐड कर सकते हैं। कई तरह की दुकानें मैंने देखी हैं जो इन्हीं के साथ साथ जनरल स्टोर का भी सामान पूरा बेच रही हैं, FMCG का भी पूरा सामान बेच रही हैं, प्लस गिफ्ट आइटम्स भी बेच रही हैं, गिफ्ट पैक भी कर रही हैं। कई लोगों को तो मैंने स्टेशनरी देते हुए देखा है, वो स्टेशनरी भी ऐड कर देते हैं इसमें। कई लोग इसमें रिचार्ज भी करते हैं, कई लोग इसमें कई तरह के सामान बेच देते हैं, क्योंकि ये सूखा सामान होता है और इसमें आसानी से उठाया और दिया। महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के लिए ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। और फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन, कोई समस्या, कोई भी ऐसा डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आने वाले वीडियो में आपका वो भी डाउट क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा।
मिलता हूँ कुछ नया लेके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।